अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी सुल्ताना। शेख्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है हाउ टू मेक स्पॉन्ज केक विद एग एंड विदाउट ओवन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम केक को पतीले में बेक करेंगे, तो इसमें पतीले में मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। ये मैंने बार बार यूज़ करती हूँ जब मैं केक बनाती हूँ। मैं नमक को इसमें अच्छे से बिछा लूंगी। अब मैं इसमें इस तरह का एक स्टैंड रखूंगी। अब स्टैंड आपके पास अगर स्टैंड ना हो, आप प्लेट को उल्टा करके भी रख सकते हैं। अब मैं पतीले को ढक दूंगी एक प्लेट की मदद से, और इसे मैं 20-25 मिनट्स के लिए ऐसे ही प्री हीट कर लूंगी। पहले मैं एक पतीले को ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। इस पतीले में मैं केक को बेक करूंगी। अब मैं इसमें बटर पेपर लगा दूंगी। इसके साइज का मैंने कट कर लिया है। अब मैं फिर से ऑयल को ग्रीस कर लूंगी बटर पेपर के ऊपर। अब मैं इसे साइड कर दूंगी। अब मैंने यहाँ लिया है एग वाइट्स। मैंने यहाँ 2 एग लिया है। इसके वाइट को मैं पहले ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर की मदद से। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक मैं इसे ब्लेंड करूँगी। हमारा ये एग वाइट रेडी हो चुका है। अब जो येलो हिस्सा है इसे ब्लेंड कर लूंगी थोड़ी देर के लिए। अब मैं इस एग के येलो हिस्से में ऐड करूंगी ऑयल। रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ 1/2 कप, और इसमें मैं ऐड करूंगी शुगर। मैंने यहाँ 1/3 कप शुगर लिया था। यहाँ थोड़े चीनी मोटे मोटे हैं तो इसे मैं साइड कर लूंगी। अब मैं इन्हें ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप मिल्क। मिल्क को भी इसमें मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मैदा 1 कप, और मैदा में मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून सोडा, बेकिंग सोडा, और इसमें मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। हम बैटर में ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून। विनेगर को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एग वाइट को, जिसे हमने ब्लेंड करके एक फ्लफी टाइप बना लिया था, और हम इसे ऐसे फोल्ड एंड कट मेथड में मिक्स करेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं बैटर को इसमें ऐड कर दूंगी प्रेस किए हुए पतीले में। अब हम 2 बार टैप करेंगे। अब मैं पतीले को इसमें रीड किए हुए पतीले में रख दूंगी। इसे ढक दूंगी। इसे मैं 45 मिनट्स के लिए बेक कर लूंगी। 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं केक को एक बार चेक कर लूंगी। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना स्पॉन्जी बना है।
टूथपिक से मैं चेक करूंगी। देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन आ चुका है, इसका मतलब हमारा केक रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। मैं यहाँ टर्न टेबल में निकाल रही हूँ। बटर पेपर को मैं निकाल लूंगी। तैयार हो चुका है हमारा स्पॉन्ज केक। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।